पाकिस्तान में 90% औरतें जब प्रेगनेंसी की तरफ चली जाती हैं तो किसी भी तरह का जो अद्वियात है उनका इस्तेमाल छोड़ देती हैं, वो इस वजह से कि कहीं वो मेडिसिन या ड्रग उनके लिए अबॉर्शन यानी कि हमल ज़ाया होने की वजह ना बने या उनके बच्चे के लिए नुकसान देना हो। लेकिन हमारे पास कई मेडिसिन की ऑप्शन होती है कि हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें, मेरे पास एक जनरल प्रॉब्लम है, ये ऊपर आप देखें लिखी हुई है प्रेस्क्राइबिंग इन प्रेगनेंसी। मैं आपको कुछ ऐसी ऑप्शंस देता हूँ जिन पर आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेफ है। जैसे आप पहले देखिए, एंटी एमेटिक ड्रग है, यानी कि जब औरत को पहली प्रेगनेंसी होती है तो उसका पहले सिम्टम्स आता है, पहले उसका सिम्टम्स आता है जिसमें उसे मतली या कै आती है, तो इसमें मेडिसिन इस्तेमाल हो जाती है। जैसे ये देखिए, सबसे पहला ये सेकेंड फार्मूला लिखा है डॉक्सिलामाइन, इसके साथ पेरिडॉक्सिन आता है, ये जो मेडिसिन है ये इस्तेमाल हो जाती है जो कि कै को रोकती है। इसमें एक ब्रांड आता है जिसे हम कहते हैं एनवी या साइकिल डिया, ये दो मेडिसिन हैं जो कि उल्टी को प्रेगनेंसी के दौरान रोकती है और ये सेफ है। इसी तरह ये देखिए दूसरी दवाई है, जिस तरह ज़्यादातर औरतें मैदे के मसाइल के सामने मैदे के मसाइल में रहती हैं, उनमें भी कुछ अदवियात सेफ है। जिस तरह ये देखिए सेफर में लिखा हुआ है ओमेप्राजोन, यानी कि आप फार्मूला ओमेप्राजोन में राइजिक ओमेगा का इस्तेमाल कर सकती हैं जो कि उनके लिए सेफ है और किसी भी तरह के खतरे का बायस नहीं। इसी तरह थर्ड देखिए लैक्सेटिव, ऐसी मेडिसिन है जो कि कब्ज़ को दूर करती है। पहले तो कोशिश करें कब्ज़ को दूर करने के लिए छिलके का इस्तेमाल करें, अगर वो इस्तेमाल उनके लिए बेहतर नहीं होता तो एक देखिए फार्मूला है लैक्टुलोज, ये वो फार्मूला है जिसमें एक ब्रांड आता है डोफालैक्स सिरप का, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि किसी भी तरह नुकसानदेह नहीं है और आपकी कब्ज़ भी ठीक हो सकती है। इसी तरह थर्ड देखें डायरिया, ऐसी मेडिसिन ऐसी कंडीशन जिसमें लूज़ मोशन लग जाते हैं, हम इसको भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ज़्यादातर इसमें ORS का इस्तेमाल करें या छिलके का इस्तेमाल करें, दोनों तरह से ये सेफ है, किसी भी तरह हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा। इस तरह देखें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो दर्द की रहती है फीमेल को प्रेगनेंसी में, वो दर्द की कंडीशन को ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी सेफ ड्रग है जिसमें देखें फार्मूला है पैरासीटामोल, जिनमें पैनाडॉल आती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरा है अब्यूप्रोफिन यानी कि ब्रोफिन, पैरासीटामोल पैनाडॉल और ब्रोफिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो कि आसान वो सेफ है और नुकसानदेह नहीं है। इसी तरह देखें नेक्स्ट है एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी यानी कि नज़ला ज़ुकाम है या स्किन एलर्जी है, इसमें भी इस्तेमाल हो सकती है, जिसमें फार्मूला आता है क्लोरफेनारामिन मेलिएट, इसमें ब्रांड आता है जिसे हम कहते हैं पिरीटोन, आप इसका इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हैं जो कि नुकसानदेह नहीं है।